ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिदानं वानराणामदीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 श्रीराम जय सुत हनुमान की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में हम लोग बहुत ही सुंदर प्रसंग देख रहे हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्री रामचंद्र जी को स्थान बता रहे हैं कि इन इन स्थानों पर आप रहिए। ये मानो कि 14 घर है, आश्रय स्थल है। और हम पिछले 2-3 बुधवार से ये चर्चा कर रहे हैं कि वास्तव में ये साधकों के हृदय है। भगवान का निवास कहाँ है तो बोले हृदय में। हृदिसन्निविष्ट रुत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम विचिंत मध्ये पूरा वर्णन आता है कैवल्य उपनिषद में। हृदय गुहा में योवेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। उपनिषद भी यही बात पुनः पुनः हमको स्मरण दिलाती है कि वह परम तत्व, वह उसको आप ब्रह्म कहिए, चैतन्य कहिए, जीवन तत्व कहिए, उसकी उपलब्धि हृदय में ही होती है। उपलब्धि स्थान हृदय है। भले ही वो सर्वव्यापक हो, भले ही वो त्रिलोक में व्याप्त हो, ब्रह्मांड में व्याप्त हो, लेकिन उसकी पहचान यदि प्रारंभ में करनी है तो हृदय में ही होगी। और यहां कहते हैं कि यदि ये आपने साधनाएं की है तो भगवान हृदय में पकड़ा जाएंगे। मतलब पकड़े हुए तो है ही, लेकिन हृदय में अनुभव होगा कि यस ही इज राइट हियर। सभी संतों ने एक स्वर से ये बात कही है, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं।
घट भीतर प्रभु पाय रहो रे, आज सखी सदगुरु घर आए। तो हृदय में यदि भगवान है तो बोले अनुभव क्यों नहीं हो रहा है, तो कहा कि आप साधना नहीं कर रहे हो। कोई चीज होने मात्र से उसका अनुभव हो ऐसा नहीं, वस्तु सामने पड़ी है लेकिन आंखें ही बंद हो तो वो अनुपलब्ध होगी कि नहीं, उपलब्ध होते हुए भी अनुपलब्ध है। वस्तु जेब में ही है लेकिन आप ढूंढ रहे हो इधर उधर, तो बहिर्मुखता के कारण वो वस्तु निकट होते हुए भी ज्ञात नहीं होती। तो वस्तु का होना एक बात है और वस्तु को जानना एक दूसरी बात है। तो यहां पर जानने के तरीके बताए जा रहे हैं। उपलब्ध वस्तु का कैसे ज्ञान होवे, तो कहा कि आप उसके बारे में सुनिए, श्रवणम, उसका कीर्तन कीजिए, कीर्तनम। फिर कहा आप उसको ही देखने की इच्छा रखिए, दर्शनम, जैसे वो चातक पक्षी उदाहरण में देखा। फिर कहते हैं कि आप यदि घर में रह रहे हैं, गृहस्थ है, तो बोले सद्गृहस्थ बनिए। केवल शादी करने का नाम सद्गृहस्थ नहीं है, उसमें सत तत्व आना चाहिए। सत मतलब अच्छाई, गुडनेस। तो हर क्रिया में सद भाव हो, अच्छे भाव से करें, बोलने के पहले उसमें सत हो, सतवाणी सदा मुख से उचरे, संतों का लक्षण है। तो हर चीज में सत तत्व को यदि आपने डाल दिया तो बस आप हो गए सदग्रस्त। भोजन भी कर रहे हैं लेकिन यदि ये भाव है कि ये तो उधर से आया है, हमारी मेहनत से नहीं, सत परमात्मा ने दिया है, परमात्मा ही सत है, सत्य है, वही नित्य है, शाश्वत है, उसी को सत कहते हैं। तो बोले वहीं से आया है, उसी की कृपा से मिला है। ऐसा भाव रख के फिर आप भोजन का आस्वादन कीजिए तो भोजन में नवीन रस, फिर चाहे वो रोटी सूखी भी हो लेकिन फिर भी उसमें रस आएगा। संतों का तो यही अनुभव है। संतों की पंक्ति में यदि आप बैठे, साधुओं की पंक्ति में जब भंडारा होता है तो जब वो नमक बांटते हैं, नमक परोसते हैं, तो उसको नमक नहीं कहते, राम रस कहते हैं, राम रस, राम रस, राम रस। बताइए, रस तो वास्तव में है राम में। जब भोजन में रस कब आता है, स्वाद कब आता है, जब उसमें नमक मिला हो, नहीं तो फीका फीका क्या। तो जीवन में जो फीकापन है उसको इस सत तत्व से क्या कीजिए, दूर कीजिए, उसको मिलाइए। यहां पे पिछली बार हमने देखा था, हर चीज को प्रसाद मान लीजिए, जो कुछ भी है वो प्रसाद है। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता, प्रसन्नता से स्वीकार कीजिए। वो ब्रह्मचारी लोग पढ़ते हैं वेदांत कोर्स में, तो गुरुजी लोग, आचार्य लोग बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, ज्ञान देते हैं, उपदेश करते हैं, बड़ी मीठी बातें सब करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है ना वो डांट भी लगाते हैं, कभी कभी वो राग, क्या कहते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। फिर ब्रह्मचारी लोग कहते हैं आज बड़ा प्रसाद मिला है। बहुत दिनों के बाद प्रसाद मिला। तो अर्थ क्या है, अच्छी वस्तु को यदि आप प्रसाद कह रहे हो, अच्छी मतलब अनुकूल, सुखद, सुखद,
प्रतिकूलता को भी प्रसाद मानने की तैयारी होनी चाहिए। ये चाहे सुख मिले या दुख मिले, इसके लिए काफी बड़ा दिल लगता है और खूब भक्ति लगती है। तो यहां पर ये किया, कहा कि ऐसा जो सद्ग्रस्त है उसके घर में आप रहिए, जो आपकी पूजा करता है, आपके भरोसे रहता है, फिर क्या तीर्थ यात्रा करता है। राम बसौ तिनके मन माहे। अब इसके बाद पांचवा घर, पांचवा घर क्या है तो आप देखिए 128 के बाद पांचवी चौपाई, यहां से आज हम पढ़ेंगे। देखिए मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, यहां से मंत्र राजो नित जप ही तुम्हारा, पूजा ही तुम ही सहित परिवारा, तर्पण होम कर ही विधि नाना, विप्रजवाई दे बहुदाना, तुम ते अधिक गुरही चिय जाने, सकल भाय सेवहि सन माने, सब कर्मा गही एक फलु, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो, सियावर राम चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब अगला घर वाल्मीकि जी कहते हैं आप इनके हृदय में रहिए। बोले कौन किनके हृदय में, तो कहा मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, तुम्हारा आपका आपका जो जप करता है, और जप किसके द्वारा होता है तो बोले मंत्र के द्वारा, मंत्र का जप होता है। तो बोले जो आपका मंत्र का जाप करता है और संडे टू संडे नहीं, वीकली नहीं, मंथली नहीं, ईयरली नहीं, बल्कि नित नित्य करता है। ये नहीं एकदम 15 दिन में एक दिन कर रहे हैं, 20 दिन में एक दिन, आज मूड आ गया तो कर लिया। संत लोग कहते हैं जो बहुत मूड के अधीन होते हैं ना वो मूड मूड होते हैं, दे आर फुलिश पीपल, मूड मूड आया तो कर दिया, मूड आया तो। अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर, ये अव्यवस्थित चित्त का लक्षण है। क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, इसलिए मिलने के पहले सोचना पड़ता है भाई उसका मूड ठीक है कि नहीं, ठीक होगा तो ही मिलेंगे, नहीं तो कुछ भी वो बोलेगा, उसका व्यवहार विचित्र होगा। तो ये मूड के अधीन जीवन को चलाना ये कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। मन इतना हल्का नहीं होना चाहिए कि थोड़ी थोड़ी बात से मूड खराब हो जाए। तो ये बात कहां से निकली, यहां कहते हैं कि मंत्र का जाप नित्य कीजिए। हाँ ये जरूर है, कभी ज्यादा आप कर सकते हैं, कभी कभी लगता है मूड, लेकिन एक नियम लेके करना है, यहां पर यह बात कही है। अब ये विषय इतना विस्तार वाला है कि इसके ऊपर एक घंटा चर्चा हो सकती है। जप की साधना, एक बात तो समझिए कि ये जप केवल साधु सन्यासी का ही कर्तव्य है, ऐसा नहीं है। साधु ही लोग ये साधना करते हैं या उनको करनी चाहिए, ऐसा नहीं, यहां गृहस्थों के लिए वर्णन है। नहीं नहीं किसी ने कहा वो सारे साधु बाबा लोग ऐसी एक वो थैली लेके जप करते रहते, ऐसी उंगली बाहर रहती हूं, तो बोले ये तो उनका काम है।
बोले नहीं, क्योंकि तुरंत आगे की पंक्ति देखिए, पूज ही तुमही सहित परिवार, परिवार सहित जो पूजन करें। काफी चीजें हैं इस, ये भी जो घर है काफी बड़ा है, जप की साधना कर रहा है, पूजा कर रहा है, देखिए परिवार सहित, इसका मतलब ये जो घर है, इस घर का संबंध किससे है? गृहस्थ से, संसारी, जो जिस जो विवाहित है, परिवार सहित है। फिर आगे लिखते हैं तर्पण होम करई विधि नाना, तीसरी बात, पहले तो कहा मंत्र जाप, फिर पूजा, फिर तर्पण, फिर विप्र जेवाई, ब्राह्मण भोजन करता है, फिर देही बहु दाना, पांचवी बात दान करता है, छठी बात तुमते अधिक गुरही जिय जानी, वाल्मीकि जी भगवान के मुख पर बोल रहे हैं कि आपसे अधिक जो गुरु को मानता है, ले आपसे अधिक जो गुरु को मानता है और उनकी सेवा करता है, और अंतिम बात सातवीं बात कि सब कर मांग ही एक फल, इतना सब वो कर रहा है किसके लिए, फल क्या चाहता है, राम चरण रति हो, राम चरण में रति, भक्ति, प्रीति, क्या सुंदर है। बोले ऐसा यदि कोई सद्गृहस्थ है तो तिनके मन मंदिर बसहु, उसके मन को यहां पे वाल्मीकि जी मंदिर बोल देते हैं। बोले बस भगवान आप मंदिर में रहते हैं ना, तो इसका मन मंदिर है, आप वहीं पे बैठ जाइए, आपकी प्राण प्रतिष्ठा वहां हो सकती है, मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति। तो तिनके मन मंदिर बसहू सिय रघुनंदन दो, तो देखो ये है हाँ पांचवा घर। अब कितनी सारी बातें यहां पर कही, वाल्मीकि जी की अपेक्षा है कि हम एक बढ़िया गृहस्थ बने, सुंदर गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ, और उसके ये सब लक्षण है। तो बोले जो एक मंत्र को लेके जाप कर रहा है, अब मंत्र राज शब्द लिखा है, अब मंत्र राज वैसे तो अब चूंकि यहां रामायण है, राम जी की कथा है, तो श्री राम जय जय राम, ये क्या हो गया मंत्र राज, राम नाम सबसे बड़ा, बल्कि यहां तक बोल दिया राम से बड़ा राम का नाम, रामायण है तो राम नाम से। देखिए मंत्र राज का अर्थ है अपने अपने इष्ट को हम श्रेष्ठ माने, उसमें 100% हमारी निष्ठा हो, और उसका जो मंत्र है वो हमारे लिए हो जाएगा मंत्र राज। जो शैव है, शिवजी का उपासक है, ओम नमः शिवाय, शक्ति का उपासक है, देवी का उपासक है, उसके लिए देवी का मंत्र है, विष्णु का कोई है तो विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो अपने अपने इष्ट का मंत्र हमने। अच्छा, और अपने शास्त्रों में क्या बताया, आप जिससे अधिक प्रेम करते हैं, जिसमें आपकी निष्ठा है, वो परमेश्वर है, वो सर्वोच्च है। अब आप देवी पुराण पढ़ें तो उसमें देवी के आदिन ब्रह्मा विष्णु महेश, देवी के आगे तीनों हाथ जोड़ के खड़े। शिव पुराण पढ़े तो शिवजी उसमें श्रेष्ठ है, शिवजी ने विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया है ना। मुझे रामायण में हम देखते हैं राम जी ही यहां पर नायक है, तो शिवजी उनकी उपासना करते, तो अपना इष्ट क्या है उसको आप, उसका मंत्र पढ़िए। अब यहां राम राम, गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम नाम का इतना वर्णन किया है बालकांड में, निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म से श्रेष्ठ राम नाम, ऐसा सिद्ध किया। और राम रक्षा में भी हम लोग पढ़ते हैं,
श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कथा जानते हैं ना, पार्वती जी जो है विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ती थी और उनको भोजन भी बनाना है, भगवान शंकर को भूख लगी है, लेकिन बोले अभी तो मैं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ूंगी और अभी तो गजानन षडानन दोनों को तैयार करना है, दोनों को स्कूल में भेजना है, विनोद की बात, अभी टाइम नहीं है, थोड़ी देर लगेगी, उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम फिर भोजन। शिव जी ने कहा राम नाम ले लो आप, बस राम नाम इज इक्वल टू सहस्त्र नाम, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान, हो गया कि नहीं राम नाम। तो मंत्र एक हो और उसमें पूरी निष्ठा हो कि ये मंत्र ही हमको तार देगा, मननात्रायते इति मंत्र, जिसका मनन करने से व्यक्ति का रक्षण होता है, व्यक्ति तर जाता है। ये पंजाबी में मंत्र को क्या बोलते हैं, मंत्र है ना, वो तोड़ देते हैं शब्द, तो एक ने बड़ा अच्छा कहता मंत्र, ये मंत्र क्या करता है, मन को तार देता है, मन को इस संसार से दूसरी ओर ले जाता है, संसार सागर से दूसरे किनारे, इसलिए मंत्र। महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं तज्जपस्तदर्थ भावनम, मंत्र करें और मंत्र का अर्थ चित्त में जागृत रखें। वैसे तो शब्द की प्रवृत्ति ही है, उसकी प्रकृति है कि जैसे ही आप शब्द बोलते हो अर्थ का स्फुरण तुरंत होता ही है, लेकिन कई बार लोग क्या कहते हैं कि जब हम जप करते हैं तो बड़ा मैकेनिकल हो जाता है, मैकेनिकल यांत्रिक हो जाता है, करते तो है हम राम 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 कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, लेकिन हमको मालूम है कि एक क्षण भी न शिव जी का ध्यान है न राम जी का ध्यान। बोले ऐसे जप से क्या फायदा, लोग ऐसा बोल देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन गुरुजी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि यदि आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा है तो जप को नहीं छोड़ना है, अनेकाग्रता को छोड़ने का प्रयत्न करना है। लोग जप करना ही छोड़ देते हैं तब तो जो हो रहा था वो भी नहीं होता। शास्त्र ये थोड़ी कहते हैं कि अनेकाग्र हो रहा है तो छोड़ दीजिए, अनेकाग्र हो रहा है तो मन को एकाग्र करने का प्रयत्न कीजिए, दो चार बार में नहीं होगा वो 10-20-50 बार प्रयत्न करेंगे तो होगा। अभ्यास इन तो कौन थे वैराग्य करिए, तो इसलिए मंत्र के अर्थ का स्फुरण हो तो वो मंत्र काफी प्रभावी होता है। देखो हम कहते हैं ये मैकेनिकल होता है, उसका अर्थ उसका कारण क्या है, देखो उदाहरण देते हैं, जब आप अपने पुत्र को आवाज देते हैं, पुत्र का नाम पुकारते हैं, तो मैकेनिकल होता है क्या, अपने प्रिय व्यक्ति का नाम पुकार रहे हैं तो क्या वो यांत्रिक होता है क्या, नहीं, उसमें पूरी अपनी भावनाएं शामिल होती हैं, बड़े प्रेम से पुकारते हैं, अरे बेटा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस पुत्र के साथ या जो भी व्यक्ति है उसके साथ हमारा संबंध है, ध्यान से सुनना, संबंध के अभाव में वह उच्चारण क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है, ड्राई विदाउट एनी इमोशन, वो केवल करना इसलिए करना। लेकिन यदि संबंध हमारा भगवान से हो जाए तो आप देखिए फिर तो नामोच्चार मात्र से अश्रुधारा बहेंगे, भाव विभोर हो जाएंगे, कुछ वो संबंध जोड़ना चाहिए, माता रामो मत पिता राम स्वामी रामो, जो संबंध जोड़ना। अच्छा मजेदार बात है, संबंध जोड़ने से प्रेम बढ़ेगा, अगर प्रेम बढ़ने से संबंध और गाढ़ा होगा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक,
संबंध से प्रेम और प्रेम से संबंध, और ये दोनों चीज हमको प्राप्त हो सकती है यदि हम नाम नाम का स्मरण करें, तो धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा, भगवान से संबंध जुड़ेगा। अब कभी किसी को बुलाया ही नहीं, किसी से बातचीत ही नहीं की, तो बताइए क्या संबंध हो रहे। इसलिए कहते हैं प्रेम से पुकारो, जिसे हम अपने प्रिय लोगों को पुकारते हैं, ये मंत्र जाप मतलब भगवान को बुलाना है, आवाहन करना है, और ये भाव रखना है कि वो सुन रहे हैं। जिसे आप किसी को बुलाते हैं तो क्या भाव रखते हैं, वो सुन रहा है। अच्छा, उसने नहीं सुना तो 2, 4, 10 बार जोर जोर से बोलते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम जपते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहू को दीन दयाल के भनक परेगी कान। करते रहो करते रहो, कभी ना कभी तो उनके कान में आवाज जाएगी। हालांकि मन में यदि आप बोल रहे हैं तो वो भी वो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि जोर जोर से ही बोलने की जरूरत है, मानसिक जप भी होता है। तो यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, गीता में भी भगवान कहते हैं अनेक प्रकार के यज्ञ है लेकिन जप यज्ञ श्रेष्ठ। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशय। और कलियुग केवल नाम आधारा, नाम की तो इतनी महिमा है, तो ये नाम कहिए या मंत्र कहिए, मंत्र प्राय संस्कृत में होता है, नाम आप किसी भी भाषा में ले सकते हैं, लेकिन दोनों का प्रभाव एक ही है। तो मंत्र राज नित जप ही तुम्हारा, वाणी का सबसे बढ़िया उपयोग है मंत्र। मंत्र का उच्चारण करते ही वाणी में एक पवित्रता आती है और उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। इसलिए गोस्वामी लिखते हैं निज गिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी को। ये राम जी की सारी ये चौपाइया क्यों लिखी है, ये सब शब्द है क्यों? बोले निज गिरा पावनीकरण, मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए। तो जो पवित्र व्यक्ति है, पवित्र वस्तु है, उसका उच्चारण करेंगे तो पवित्रता अपने आप आएगी। इसलिए मंत्र है, बड़ी सूक्ष्म साधना है। मंत्र के लिए मन थोड़ा तो सूक्ष्म चाहिए ही, थोड़ा अंतर्मुखी चाहिए। तो ये एक साधना हर गृहस्थ को करना चाहिए, नियम लेना चाहिए। हाँ, नियम पूर्वक, नियम का एक अलग ही प्रभाव होता है, सातत्य का। हाँ, कंसिस्टेंटली व्हेन वी डू समथिंग वी गेट सक्सेस। तो यहां पर ये काम। दूसरी बात लिखते हैं पूज ही तुम ही सहित परिवारा, बोले सारे परिवार के सदस्य मिलके आपकी पूजा करते हैं। अब ये दृश्य तो आजकल काफी दुर्लभ हो गया है। पहले देखिए सायंकाल में सब लोग कुछ आरती करते थे, कुछ स्तोत्र पाठ भजन करते थे घर में, प्राय प्राय घर में ये होता था, ये परंपरा थी। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप प्रज्वलित करके ऐसा कहा गया है कि सायंकाल में जो भी संध्या का टाइम है, संध्या मतलब जहां दो प्रहर जुड़ते हैं, उस समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसलिए प्रातः काल भी कहा है स्मरण स्मरण करो, क्योंकि रात बीत गई है, सुबह शुरू होने वाली है, संधि काल है। ऐसे दिन समाप्त तो हो रहा है, रात आ रही है, संधि काल है। संधि काल में संध्या करने के लिए कहा गया, पूजा करने के लिए कहा गया। तो कहा कि परिवारा, परिवार के सहित क्या करें, पूजा करें। अब ये भी देखिए क्या होता है, कोई पूजा वगैरह का आयोजन होता है, सब लोग आते ही नहीं उसमें, जो बड़े बुजुर्ग है वही केवल बैठते हैं, और वो पंडित जी को कहते हैं मैं हूं ना बस, अब वो लोग आएंगे कि नहीं, बस मैं हूं ना,
अरे पूजा यदि करनी है तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए और उनको उसका महत्व सिखाना चाहिए, बताना चाहिए सभी लोगों को। तो आग्रह पूर्वक थोड़ा हट करके सबसे पूजा करवानी चाहिए। ये केवल जो सीनियर लोग हैं उन्हीं का काम है, ऐसा नहीं है। बच्चों में ये संस्कार डालने चाहिए। कोई लंबी चौड़ी पूजा नहीं, 5 मिनट 10 मिनट। देखिए हम लोग अपने ये परंपराओं के प्रति बहुत ही शिथिल हो गए हैं, एकदम ढीले। आप दूसरे धर्म के लोगों को देखिए, वो इतने पंक्चुअल है और इतने उसके प्रति आग्रही है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, प्रार्थना करनी है तो करनी है, अपने धर्म को बचाना है तो ये परंपराओं को बचाना बहुत जरूरी है। बहुत कभी कभी निराशा आती होती है, विशेष रूप से यंग लोग बिल्कुल कटते चले जा रहे हैं। उनको लगता है केवल बड़े लोगों का ही काम है, पूजा पाठ, हाँ, ये प्रवचन सत्संग। तो यहां लिखते हैं भाई सब लोग मिलके पूजा कीजिए। चलिए रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक दिन तो सब लोग मिलके पूजा कीजिए। अब आजकल सब लोग एक साथ मिलते ही नहीं है, ये भी एक आश्चर्य गड़बड़ बात है। इतने सब अपने अपने इसमें बिजी है। वो ऐसा है जैसे उपनिषद ने वर्णन किया है कि किसी रथ में घोड़े जुते हो, 4-5 घोड़े लगे और एक घोड़ा इधर जा रहा है, एक घोड़ा इधर जा रहा है, तो वो रथ की क्या स्थिति होगी जरा आप देखिए। परिवार में भी ये सारे सदस्य घोड़े की तरह है, कोई किसी का इंटरेस्ट एक में, किसी का दूसरे में, तो मिलते ही नहीं। ले दे के कभी मिले तो कहाँ, भोजन है डाइनिंग टेबल पे, वो भी आजकल रेयर होते चला जा रहा है क्योंकि सबका समय अलग अलग है। टीवी के सामने, पहले तो टीवी एक होता था, एक चैनल होती थी, सब लोग एक साथ मिलके बैठते। अब किसी को ये देखना है, किसी को वो देखना है। मैं बिल्कुल व्यावहारिक उदाहरण दे रहा हूं कि एकत्र आने का कोई ना कोई निमित्त हो। कहते हैं ना जो परिवार मिलके रहता है सुरक्षित रहता है। तो यहां पर पूज ही तुम ही सहित परिवारा। पूजा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है। एक ने कहा कि पूजा एक फैक्ट्री है। बोले क्या फैक्ट्री? फैक्ट्री में कोई चीज बनती है? बोले यहां पे भाव बनता है, भक्ति बनती है, सद्विचार बनते हैं। इसलिए पूजा बहुत प्यारी चीज है, रसीली चीज है। तो ये हम करें। फिर कहते हैं तीसरी बात, इस घर में मानो कि अलग अलग ये कमरे हैं, तो मंत्र हो रहा है, पूजा हो रही है। तीसरी बात, तर्पण होम कर ही विधि नाना। सद्गृहस्थ को क्या करना चाहिए? तो बोले तर्पण होम। अपने यहां पर कहा गया कि गृहस्थ लोगों को 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। बोले क्या है ये 5 प्रकार के यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है अध्ययन अध्यापन, ब्रह्म तत्व का, भगवत तत्व का। तो रोज कुछ ना कुछ पढ़े हम, सुने, ये ब्रह्म यज्ञ। फिर कहा तर्पण, तर्पण को कहा पितृ यज्ञ, अपने पितरों को जलांजलि दे, पितरों का स्मरण करे, उससे वो तृप्त होते हैं, इसलिए बोला तर्पण, तर्पण शब्द है। श्राद्ध इत्यादि होता है तो कहते हैं तर्पण करना चाहिए, ये है पितृयज्ञ। फिर रोज अग्निहोत्र करने के लिए कहा गया। अब ये तो सारी परंपरा खत्म ही हो गई, उसको देव यज्ञ कहते हैं, जो पारंपरिक जो यज्ञ हम करते हैं। पहले रोज यज्ञ होता था, तो दैव यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ,
पितृयज्ञ, एक यज्ञ उसको कहते हैं भूत यज्ञ, प्राणियों को खिलाना कुछ, बलि वैश्वदेव उनके लिए कुछ थोड़ा सा रोटी अन्न कुछ निकाल के रखना, ये भूत यज्ञ, भूत मतलब ये भूत प्राणी, इनकी सेवा करना। इसलिए पहले रोटी बनाते थे और एक रोटी आखिरी में रखते थे, किसके लिए, गाय के लिए, या कोई अतिथि आ जाए उसके लिए। भूत यज्ञ, और एक होता है मनुष्य यज्ञ, वही अतिथि सत्कार, उसको कहते मनुष्य यज्ञ। तो यहां पर लिखते हैं ये सब जो परंपरा से जो हमको मिला है, जो भी कर्म क्रिया करने के लिए कहा वो करता है। तर्पण होम कर ही विधि नाना, तरह तरह की विधियों के द्वारा वो करता है, प्रकार से करता है, ये मतलब है। अच्छा, फिर विप्र जेवाई, ब्राह्मण भोजन कराता है विप्र जेवाई। तो कोई एक ऐसा प्रसंग होना चाहिए वर्ष में, अब लोग कहते जन्मदिन है, विवाह दिन है, कोई मंगल अवसर है, तो बोले उस दिन क्या कीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए। जो संत स्वभाव के लोग हैं उनको कहा ब्राह्मण, तो ये भी अपने आप एक परंपरा कही है। हाँ, कोई अवसर है, कोई उत्सव है, तो ये अन्नदान, इसको कहते हैं अन्नदान। आजकल लोग आश्रम इत्यादि में अन्नदान करते ना, इतना पैसा जमा कर देते हैं, बोले इस तिथि को आप हमारे तरफ से भोजन करें, तो ये करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ लोगों का कर्तव्य है कि जो साधु संन्यासी है उनका पेट भरे, क्योंकि वो तो कोई कमाते नहीं है, उनका तो कोई व्यापार व्यवसाय है नहीं। तो अन्नदान, तो विप्रजेवाई, देहि बहु दाना हो, और जो बहुत दान करता है, यहां बहु शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहु दाना, यानी 125 रुपया 11 रुपया, बोले नहीं परंपरा से तो यही हम देखते आए हैं, दादाजी पिताजी 125 रुपये चढ़ा देते, अब हम भी उस परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। वाह वाह वाह, दक्षिणा के मामले में बड़ी परंपरा और बाकी सब परंपरा। इसलिए यहां एक शब्द डाला है देही बहुदाना, अपने सामर्थ्य से अधिक दें, ऐसा लिखा हुआ है, या कम से कम सामर्थ्य के अनुसार दें। लोग तो सामर्थ्य से बिल्कुल 1% 2% देते हैं, जितना वो दे सकते हैं। स्वामी जी कमाते हम हैं और सबके बांटने के लिए हम कमाएंगे, लोगों का ही प्रश्न होता, हम कमा रहे हैं तो आप इतना आग्रह क्यों कर रहे हैं दान का, दक्षिणा का। तो देखिए निश्चित ही जिसने कमाया है उसका अधिकार है, वही दान दे सकता है जिसके पास है, तो पहले कमाना चाहिए। अन्नम बहु कुरिया ऐसा कहा है, लेकिन भाव उसमें यह है कि जब आप कमाते हो तो उसमें ये मत समझिए कि केवल आपका ही कंट्रीब्यूशन है, समाज का, देश का, सिस्टम का, प्रकृति का, मालूम नहीं कितने लोगों ने हेल्प की है, तब जाके हमको ये धन मिल रहा है। तो दान एक तरह की क्या है, कृतज्ञता व्यक्त करने की साधना है। देते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, देते है ही नहीं, तो ऋणी हो जाते हैं, अपने ऊपर कर्ज हो जाते हैं। कई बार हम बोल चुके हैं इस विषय को कि दान से द्रव्य की शुद्धि होती है, जब आप धन कमाते हो तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, अशुद्धियां आ जाती है, कभी भाव अशुद्ध होता है, कभी झूठ हम बोल देते हैं, कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, धोखा दे सकते हैं, किसी को बेईमान कर सकते हैं, उस कारण से धन अपने जीवन में आया, ऐसे तो नहीं आया तो सबसे बेस्ट शुद्ध ही है। तो अशुद्धि, जैसे शरीर की शुद्धि के लिए स्नान है, इंद्रियों की शुद्धि के लिए तप है, प्राण की शुद्धि के लिए प्राणायाम है,
मन की शुद्धि के लिए भक्ति है, ऐसे ही धन की शुद्धि के लिए क्या है? तो कहा कि दान। देयम दीन जनाय च वित्तम, देना चाहिए। श्रद्धया देयम या देयम भिया देयम संविदा देयम। और देने के पीछे भाव यही है कि हम कृतज्ञ है, अभिमान पूर्वक न देवे। हाँ, ये भी एक है। उपनिषद कहती है कि घबराते हुए दीजिए कि अरे मुझको इतना देना चाहिए, मैं बहुत कम दे रहा हूं। निराभिमानता से दीजिए, विनम्रता से दीजिए, और देने वाले को थैंक यू बोलिए, लेने वाले को थैंक यू बोलिए। किसी ने कहा क्या उसको बोलना चाहिए धन्यवाद? नहीं नहीं, शास्त्रों में बड़ी अद्भुत बातें हैं। बोले आप जिसको दे रहे हो उसने यदि लिया है तो आप धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो रिजेक्ट भी कर सकता है ना। वो यदि ले रहा है तो ये हमारा भाग्य है। सूक्ष्म बात है, क्योंकि उसके पास चॉइस है, वो ले सकता है नहीं ले सकता है। यदि उसने लिया है तो इसमें हमारा हित हुआ है, हमारा पुण्य हो रहा है, तो वी मस्ट थैंक हिम, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग। ये भाव है। कहते विप्रजेवाई देही बहुदान, काफी चर्चा इस पर हो सकती है। फिर कहते हैं तुमते अधिक गुरह जी अजानी। हाँ, सदगृहस्थ का एक और लक्षण क्या बताया? तो बोले जो वाल्मीकि जी सीधे भगवान को बोल रहे हैं, आपसे ज्यादा जो गुरु को जानता है, मानता है। ये कैसी बात है? इस चौपाई का अर्थ क्या है कि भगवान से ज्यादा जो गुरु को माने उसके हृदय में आप रहिए। बोले इसका लक्षार्थ क्या है? वाचार्थ तो कुछ हमको जम नहीं रहा है। भगवान सबसे बड़े हैं, उनसे बड़े गुरु हैं। तो इसके मुझे भाव ये भगवान बड़े हैं, ये बताया किसने? जिसने भगवान की पहचान कराई उसको भी आदर देना पड़ेगा कि नहीं? बोले वो ज्यादा बड़ा। इसलिए जो प्रसिद्ध दोहा कबीरदास जी का है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप गोविंद यो बताए। ये भाव बिल्कुल वही भाव है। देखिए ऐसा है कि भगवान जो है उन्होंने अपनी सारी बातें शास्त्रों में बताई है, ठीक है, गीता में, रामायण में, उनको क्या अपेक्षित है, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। लेकिन बात यह कि हम भगवान की बात सुनते कब है, पढ़ते कब है? भगवान ने जो कहा है उन बातों को तो दरकिनार कर देते हैं। लेकिन जो गुरु है ना, गुरु तो सामने है, प्रत्यक्ष है, उनकी बातों को मना करना कठिन है, और वो करना भी नहीं चाहिए। तो बोले देखिए प्रत्यक्ष भगवान नहीं है, हालांकि भगवान ने वही सारी बातें कही है जो गुरु जी बता रहे हैं, लेकिन गुरु प्रत्यक्ष है। इसलिए आप भगवान को मानो या न मानो, गुरु को मानो। और यदि गुरु को माना तो अपने आप वो हमको भगवान तक ले जाएंगे। ये सीधी बात है। भगवान पे विश्वास करना कभी कठिन होता है क्योंकि प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन गुरु की शक्ति, गुरु का ज्ञान, गुरु का व्यक्तित्व अपने सामने है। इसलिए बोले आप वहां अपनी श्रद्धा पक्की। और आगे चल के हम जैसे जैसे साधक साधना करता है उसको मालूम पड़ता है कि अरे भगवान ही गुरु के रूप में आए हैं। इसलिए ये वाक्य बिल्कुल सही है, तुमते अधिक गुरु ही जिए जान। शबरी के प्रसंग में भगवान राम नवधा भक्ति बताते हैं, और वहां पर एक भक्ति उन्होंने बताई, मोते अधिक संत करी लेखा। भगवान खुद अपने मुख से कहते हैं कि मेरे से ज्यादा जो संत को मानता है, बोले वो मेरा भक्त है। बताइए, तो भगवान को उसमें बुरा नहीं लग रहा है कि अरे मेरा अपमान कर रहे हैं, गुरु को ज्यादा ऊंचा स्थान।
भगवान कहते हैं साधक के भीतर यही भावना होनी चाहिए, उसी से उसका कल्याण होगा। तो तुम अते अधिक गुरु ही जिए जानी। और एक और बात है, गुरु के जीवन में आते ही सारी चीजें खुलने लगती है। जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो जैसे आप जा रहे हो, हमारे स्वामी जी ने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि आप जा रहे हो, रास्ते में आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपका ध्येय कहीं है लेकिन ध्येय पर आप पहुंचे नहीं क्योंकि बीच में गाड़ी खराब हो गई। अब कोई व्यक्ति आया, उसने आपकी मदद की, सब ठीक ठाक किया, तो अब उसके प्रति आप कृतज्ञ होंगे कि नहीं, उसको बार बार आप धन्यवाद बोलेंगे कि नहीं। आप पहुंचेंगे ध्येय आपका कुछ और है, याद रखना, लेकिन उस ध्येय तक जाने में जिसने मदद की है उसके प्रति कितना आदर और श्रद्धा का भाव आएगा कि नहीं। ये सद्गुरु बिल्कुल वही काम करते हैं, हमारी गाड़ी खराब होती रहती है ये ठीक ठाक करते हैं हमारे मन को, बुद्धि को, कर्म को, आचरण को। इसलिए यहां लिखा है कि तुमते अधिक गुरु ही चिय जानी, गुरु की आज्ञा में रहे। दशरथ जी इसके उदाहरण है, दशरथ जी जो भी करते हैं गुरु की आज्ञा। युवराज बनाना था राम जी को, तो पहले दशरथ जी ने वशिष्ठ जी से पूछा, पुत्रोत्पत्ति करनी थी तो वशिष्ठ जी के पास गए, आप उपाय बताइए। अच्छा, जब विश्वामित्र जी के साथ राम जी को जाना पड़ रहा है, राम जी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है दशरथ जी, लेकिन जब वशिष्ठ जी ने कहा तो उन्होंने भगवान को भी छोड़ा, मतलब छोड़ने के लिए तैयार हुए। तो गुरु की बहुत महिमा है, हम सब लोग जानते हैं। गुरु पूर्णिमा का एक पूरा दिन जो है उन्हीं के लिए डेडिकेटेड। तो ऐसे सद्गुरु की महिमा को जो जानता है उनके प्रति आदर है। तुमते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। सब दृष्टि से जो आपकी सेवा करता है, सम्मान करता है, उसके हृदय में आप रही। और सबसे बड़ी बात है कि सब करी मागहि एक फलु, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। ये बहुत ही प्यारी मीठी बात है कि सबका फल वो मांगता है भक्ति बढ़े, बस। ये नहीं कि अब इतना हमने ब्राह्मण भोजन करा, इतना दान करा है तो अब मेरी सीट रिजर्व हुई कि नहीं स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में, देवलोक में। बोले नो, वो तो मेरा कर्तव्य था। कर्तव्य की भावना से, सेवा की भावना से जो करता है और यही मांगता है कि बस इससे आप खुश हो जाए, ईश्वर प्रत्यर्थम अहम इदम करो, बस ही मेन मुख्य ध्येय उसके जीवन में। तो ऐसा जो सद्ग्रस्त है, भगवान आप उसके हृदय में जाकर विराजमान होइए। और वो तो मन मंदिर है जहां पे वातावरण पवित्र है, शुद्ध है, स्वच्छ है। इस तरह यहां पर ये पांचवा घर बताया। अब आगे देखेंगे छठा घर, यही रुकते हैं। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।